कांग्रेस के नेता आलोक दुबे और लाल किशोर नाथ सहदेव ने कोरोना काल में निजी अस्पतालों की कमाई की जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल के 17 महीने के दौरान आम लोगों से इलाज के नाम पे बेतहाशा पैसा लूटा गया है। प्राइवेट अस्पतालों में पिछले 17 महीनों के दौरान जिन लोगों ने भी इलाज कराए हैं, हम राज्य सरकार से पूरे आय व्यय का ऑडिट करने की मांग करते हैं। हमने इस बाबत आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारे सहयोगी लाल किशोरनाथ सहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता भी साथ में मौजूद थे। लगभग एक आकलन के अनुसार झारखंड की जनता ने 7000 करोड़ रुपए प्राइवेट अस्पतालों को इलाज में खर्च किए। लोग अपने घर का, जमीन जायदाद, गहना, यहाँ तक कि खून तक बेचकर प्राइवेट अस्पतालों को इलाज के लिए दिया है। लोगों का कहना है कि अस्पतालों में निधन होने के बावजूद भी उनसे पैसे वसूले जाते थे। गरीब हो, ठेला वाला, खोमचा वाला, कारपेंटर, कॉबलर, मध्यम परिवार, यहाँ तक कि रसूखदार लोग भी इनके कोपवाजन के शिकार हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राहत निगरानी समिति के पदाधिकारी होने के हैसियत से हमने माननीय मुख्य सचिव जी को भी कहा है और मुख्यमंत्री जी को कि झारखंड के रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास उपवास पर भी बैठे हैं। हम सभी निजी अस्पतालों को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि आप अपने आय ब्यौरा को राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए। और यह भी हम मांग कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ के लोग प्राइवेट अस्पतालों की ओर मुंह करते हैं, उधर जाते हैं। अस्पतालों की भयावह स्थिति इस कोरोना काल में लोगों के लिए एक गंभीर परिणाम लेकर के आए हैं, इसलिए इसका पूरा मूल्यांकन, ऑडिट होना बहुत जरूरी है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।